ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 6.2 एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, और इसमें ये डायग्राम बन के आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है इन फिगर, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, यदि ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ये ए बी और सी डी, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी और ई एफ भी पैरेलल हैं, तो यहाँ पे गिवन हम लिख लेंगे, गिवन देखिए ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर हम लिख सकते हैं देन ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों पैरेलल होंगे फिर तो, है ना, ठीक है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। अच्छा, अब ये दिया है वाई रेशो जेड इजकल टू 3:7, तो y प्लस जेड हमें पता करना पड़ेगा पहले कितना होगा, तभी हम इसकी वैल्यू इसमें y और z ला पाएंगे, ठीक है, तो y और z, तो यहाँ वाली वैल्यू पता करते हैं पहले कितनी होगी, देखो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे लीनियर पेयर, ठीक है, तो ये दोनों मिलके 180 होंगे, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कुछ मान लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ a, मान लेता हूँ ए स्मॉल ए, तो हम अगर देखें तो लिखें फ्रॉम फिगर, अगर हम चित्र से देखें तो देखिए क्या वाई प्लस ए इजकल टू 180 हम लिख सकते हैं, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो वाई को उधर ट्रांसफर कर दो, ए इजकल टू क्या आएगा 180 माइनस वाई, ए की जगह आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम 180 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं लाइन, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो अब देखिए हम फिर लिखेंगे नाउ, अब देखिए सी डी पैरेलल ई एफ एंड इसको कोई लाइन मान लो, एल मान लो, एल इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए दो लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर जो ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल ऐसे बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ए और जेड दोनों इक्वल होंगे, तो देखो देखिए ए इजकल टू जेड, ये होंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल होंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है 180 माइनस वाई इजकल टू जेड, y को उधर ट्रांसफर कर दो तो 180 इजकल टू क्या हो जाएगा y प्लस जेड, y प्लस का हो जाएगा उधर जाके, तो y प्लस जेड तो हमें लाना ही था, तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है, तो अब ये वैल्यू मिल गई, तो अब हम बाकी फाइंड करते हैं, देखिए तो अब हमें ये जो गिवन है इसके हिसाब से हम देखिए y की वैल्यू क्या, देखिए यहाँ पर पहले सम ऑफ रेशो लिखेंगे हम, नाउ सम ऑफ रेशियो 3:7, 10 हो रहा है सम ऑफ रेशियो, ठीक है, तो अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, देखो y इजकल टू क्या होगा, जो पहले लिखा है y इजकल टू 3/10 और इंटू क्या है y प्लस जेड कितना है 180, ये इंटू में आ जाता है, तो 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 18 3 54 डिग्री, y के बाद z की वैल्यू देख लो, जेड इजकल टू कितना हो जाएगा, जेड क्या है देखो 7/10 इंटू 180, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 18 7 का कितना हुआ 126 डिग्री, ठीक है, तो देखिए अपने पास जेड की वैल्यू हमें मिल गई, जेड की वैल्यू हमको मिल गई, जेड इजकल टू 126 डिग्री, ठीक है ना, तो जेड ये अब ये देखिए ये और ये पैरेलल तो है ही है, तो ये अल्टरनेट एंगल से क्या होगा एक्स और जेड इक्वल हो जाए, तो हम लिखेंगे नाउ ए बी पैरेलल ई एफ एंड एल इज ट्रांसवर्सल लाइन, एल ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा एक्स इजकल टू जेड, x इजकल टू जेड, यानी और तो क्या हो जाएगा x इजकल टू कितना हो जाएगा, z की जगह आ जाता है 126,
तो एक्स की वैल्यू आ गई, यही तो पता करना था ना, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, फाइंड एक्स। ठीक है, नोट कर लो इसका।